सरकार भले ही गड्ढा मुक्त सड़कों की बात कर रही हो, लेकिन जनपद चित्रकूट के कई गांव ऐसे भी हैं जहां सड़कें बदहाल हैं और पुल टूट चुके हैं। हम बात कर रहे हैं मानिकपुर विकासखंड के नहीं गांव जो मानिकपुर जोड़ने वाले पुल की है, जो 9 वर्ष पूर्व बना और बनते ही 1 वर्ष में ढह गया। इसके बाद ग्रामीणों को आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो वहीं पुल के सहारे स्कूली बच्चों को स्कूल जाने का एक ही सहारा था, पर पुल के टूट जाने से बच्चों को इसी नदी से गुजरना पड़ता है। वहीं अगर काफ़ी बारिश हो जाने पर पानी का बहाव काफ़ी तेज हो जाता है, जिस पर स्कूली बच्चों को स्कूल न जाने पर मजबूर होना पड़ता है। तो वहीं 9 वर्ष से टूटे हुए पुल पर सरकार के जिम्मेदारों का ध्यान भी नहीं जाता। अरे दिक्कत ये क्या है, आपको क्या बतावा यहाँ से। हम ये देखो ना, पुल बना दिए हैं, लड़का ना पीछे से पुल जाते हैं, आप पानी में गिर जाते हैं, ये बड़ी दिक्कत है। क्या होना चाहिए बाबू जी, इसको बनना चाहिए बाबू। कब बह गया ये, किसने बनवाया था? अब ये तो ना बता पाओ हम किसको बनवा रहा है। क्या नाम बाबू जी आपको? मौसम कावन नाम। कहाँ के रहने वाले? ये सब बरसात हो गई, नदी बाढ़ आ गई, तो हम इधर के लोग उधर रहते हैं, इधर के लोग अपार वहीं रहते हैं। और तो कोई की तबीयत बीमार हो गया, कुछ भी हो गया, तो कोई भारी दिक्कतें हैं, हम ये दवाया दर पर नहीं करा सकते हैं, नदी बाढ़ आ जाती है। स्कूल के बच्चों को क्या दिक्कत आती है? स्कूल के बच्चों को आते हैं पढ़ने, कपड़ा भीग जाते हैं, नदी बाढ़ गई तो हो गया, सभी समस्या है। क्या नाम है आपको? हमारा नाम महेश। महेश, महेश जी बताइए, पुल बना हुआ था तो कब कैसे कब बह गया है? ये बाबा है कितना दिन हुई टूटी? 10 साल लगभग हो गया। काहे के लिए पुल टूटे हुए? तो प्रशासन ने इसको कुछ काम किया था? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। क्या नाम बताया आपने? महेश। कौन सा गांव है? नहीं चल रही है।